हेलो एवरीवन, मैं नंदिनी माहेश्वरी नंदिनीज किचन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमने बनाई है ये हल्दीराम जैसी चटपटी क्रिस्पी मसाला मूंगफली। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है और ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है, एकदम क्रिस्पी क्रंची। तो आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं मसाला मूंगफली। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है ये 2 कप जितनी मूंगफली। इसे मैंने मेजर कप से नाप लिया है, आप इसे एक नॉर्मल कटोरी से भी नाप सकते हैं। और आप इसे एक बार साफ कर लें। उसके बाद में मैंने लिया है यहाँ पर 1/2 कप जितना बेसन, 1/2 कप जितना चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप उसकी जगह पे 1/2 कप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे अभी चावल का आटा ही लिया है। इसमें हम मिलाएंगे 1 बड़े चम्मच जितनी लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर और 1/4 चम्मच जितनी हींग और 1/4 चम्मच से भी कम मीठा सोडा, जिसे हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। अगर आपके पास मीठा सोडा या बेकिंग सोडा नहीं है तो आप उसका डबल बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। इस सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें मसाले एकदम चटपटे तीखे रखने हैं, क्योंकि इससे हम मूंगफली के ऊपर कोट करने वाले हैं तो उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और ये चटपटी होती है तभी बहुत स्वाद लगती है। तो आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक छलनी ली है, उसके नीचे एक बाउल रखा है, उसमें सारी मूंगफली को डाल दिया है। इस पर मैं 2 गिलास जितना पानी डालूंगी। इसमें हमें मूंगफली को भिगोना नहीं है, हमें इसे सिर्फ गीला ही करना है, इसीलिए हमने इसे छलनी में रखा है। अब इसका सारा पानी नीचे आ जाएगा, उसके बाद हम इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल के और इसे जो हमने मसाले वाला बेसन बनाया है उसमें डाल देंगे और हम इसे इसके ऊपर हिलाते चलाते हुए अच्छे से कोट कर लेंगे, ताकि जो हमारी गीली मूंगफली है उसके ऊपर ये मसाला बेसन चिपक जाए। इसमें हमने चावल का आटा डाला है, जिससे ये बहुत ही क्रिस्पी बनती है। और आप इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर लें। अगर आपको इसे चम्मच से करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसे हाथ से भी कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें डाला है 1 छोटे चम्मच जितना पानी और हम इसे वापस उलट पलट कर और इसके ऊपर ये मसाले की कोटिंग चढ़ाते जाएंगे। उसके बाद में हम इसमें 2-3 चम्मच पानी और मिलाएंगे और ये सारा मसाला जो है ये मूंगफली के ऊपर चिपक जाएगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये सारा मसाला मूंगफली के ऊपर चिपक चुका है। आप इसे हाथ से ऊपर नीचे करके मूंगफली को और बढ़िया से मिक्स कर लें। फिर इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख दें। उसके बाद में दस मिनट होने के बाद में ये मसाला मूंगफली को हम वापस ऊपर नीचे कर लेंगे। थोड़ा सा इसका मसाला थोड़ा ड्राई हो गया है, हमें इसी तरह की ये मूंगफली चाहिए है। यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया है, जब तेल अच्छा गरम हो जाए तब हम इसमें मूंगफली डालेंगे। हमें इसमें मूंगफली डालते जाना है। ये मूंगफली हम एक साथ डालेंगे तो अभी ये तेल में जाके अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमारा बेसन ड्राई है इसलिए एक साथ चिपकने के चांसेस बहुत कम ही रहते हैं। उसके बाद में हम इसकी फ्लेम मीडियम टू स्लो कर देंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि ये अंदर तक क्रिस्पी क्रंची हो जाए। इस तरह से हम सारी मूंगफली फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया एकदम गोल्डन क्रिस्पी मूंगफली तल के तैयार हो गई है। इस पे सब पे अच्छे से मसाला चिपक चुका है। इस तरह से मैंने यहाँ पे सारी मूंगफली तल ली है। अब हम इस पर गरम गरम मूंगफली पर ही लगाएंगे 1 चम्मच जितना चाट मसाला पाउडर और 1/2 चम्मच जितना लाल मिर्ची पाउडर। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे ये सारे मूंगफली पे अच्छे से लग जाए। ये हमारी मसाला मूंगफली बनके तैयार है। इसे आप एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके 2 महीने तक रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है और बहुत ही बढ़िया बनती है। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।